Hello friends, today we are going to start a new chapter. It's a very important portion of physics that is called light. So light is a very visible term in your words and mine words. But agar apan isko classify karna chahe to isko normal bhasha mein apan kya kahenge? Light isse kya click hota hai apne mind mein? Pehla word to ye click hota hai ki vah light jo hamare ghar mein use hoti hai, but wo to ek normal bhasha ki baat hai. उसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि देशी भाषा भी कहा जाता था कि देशी भाषा में हम उसको क्या कहेंगे, लाइट. नहीं, बट अगर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं लाइट की, तो टेक्निकल टर्म्स में अगर अपन बात करें तो अपन बात कर रहे हैं लाइट मीन्स द विजिबल रेडिएशन. लाइट का मतलब क्या होता है? विजिबल रेडिएशन. इट मीन्स द विजिबल रेडिएशन. और अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो इट इज़ बिकॉज ऑफ लाइट. तो हम यहाँ पर लाइट को ईजिली क्लासीफाई कर सकते हैं कि लाइट मीन्स विजिबल रेडिएशन. यहाँ पर इस चैप्टर में हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत ही कॉमन है हमारी डे टू डे लाइफ में. जैसे कि पहला है हमारा इसमें रिफ्लेक्शन. सेकेंड जो वर्ड है या सेकेंड जो टर्म हम कहें इसमें, वो है हमारा रिफ्रैक्शन. मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमें पढ़ना है. अगर हम जाएं लाइट के बारे में, तो लाइट तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है. लाइट जो टॉपिक है वो हमारा है रे ऑप्टिक्स से उठाया हुआ टॉपिक है, जो कि आगे हमारे फिजिक्स में इसको बोला जाता है रे ऑप्टिक्स. उसमें हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं. वहाँ पर हम पढ़ते हैं TIR के बारे में. TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. चौथा जो वर्ड है वो इसमें हम पढ़ते हैं डिस्पर्जन. क्लास टेंथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चार ही टर्म हमको पढ़ना है. बट अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये दोनों टॉपिक्स हमको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करना है. जो बाकी के दो टॉपिक्स हैं हमारे TIR और डिस्पर्जन, इनको हम पढ़ेंगे हमारे अगले चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. जो हमारे दो टॉपिक्स हैं डिस्पर्जन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी जो हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो दो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब यहाँ पर अपन बात करें कि ये दोनों टर्म्स हैं क्या, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है. तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं, या कहें तो इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, कि इनके बीच में अंतर हमें पता चले हमें किस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है. तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन. तो अपन रिफ्लेक्शन के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है, मैं आपको बताता हूँ कि इफ आई एम विजिबल टू यू, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. बिकॉज द लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम योर आईज is striking on this board and on me and they are reflecting back and you are able to see me. इसको simple words में अपन classify करते हैं, no issues. तो ये plane जो आप देख रहे हैं, ये जो plane है, इस plane पर आप मान लीजिए ये एक normal plane है, अपन यहाँ पर इसको ले लेते हैं, ये एक reflecting glass है, यह एक smooth surface है. ये जो reflecting glass है, इस पर यहाँ से एक light ray आ रही है, ये एक light ray यहाँ पर आई, ये इस पर फॉल करी, यहाँ से ये बाउंस बैक हो गई. तो ये लाइट रे जो यहाँ पर आ रही है या जो इंसिडेंट हो रही है इस पर, इस लाइट रे को हम यहाँ पर कहेंगे इंसिडेंट रे. कौन सी रे कहेंगे इसको? इंसिडेंट रे. और यहाँ पर ये दोनों रेज, इंसिडेंट रे और ये रे जो बाउंस बैक हो रही है, ये दोनों यहाँ पर मीट हो रही हैं. इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो रे यहाँ पर होगी उसको बोलेंगे हम नॉर्मल. और जो रे हमारी बाउंस बैक हो रही है, इस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट इज रिफ्लेक्टेड रे एंड व्हाट इज नॉर्मल. सो यहाँ पर अगर अपन बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट अ सिंपल फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज. मतलब ये कि अगर कोई भी लाइट रे इस पर्टिकुलर प्लेन पर पड़ती है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन. इट्स वेरी सिंपल. तो अगर अपन यहाँ इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो यहाँ पर अपन इसकी डेफिनेशन को भी थोड़ा सा क्लासीफाई कर लेते हैं. वैसे कि अगर देखा जाए तो CBSE में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर अपन MP बोर्ड की बात करते हैं, तो MP बोर्ड में कई बार जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पर अपन बात करते हैं व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन.
तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये देखिए आप, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अगर अपन मान लेते हैं तो ये अपनी नॉर्मल रे हो गई, ये नॉर्मल रे हो गई। अब ये तीनों रेज अगर आप देख रहे होंगे तो एक ही प्लेन पर है, दिस थ्री आर ऑन सेम प्लेन। अब ऐसा तो नहीं है कि एक लाइट ये इंसिडेंट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से चली जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, पहला लॉ, अब अपन यहाँ पर रिफ्लेक्शन का पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन का पहला लॉ ये कहता है हमेशा कि जो तीनों लाइट रेज होती हैं, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे, ये तीनों रेज जो है हमारी एक ही प्लेन पर आती हैं। यहाँ पर भी आप इजीली देख सकते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन पर आती हैं। अब अपन बात करते हैं सेकंड लॉ की। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, यहाँ पर अपन इसको क्लियर भी कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ को देखिए आप, फर्स्ट लॉ अपन लिख लेते हैं, इंसिडेंट रे, यहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहा हूँ आई आर उसके लिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर आर एंड नॉर्मल दे आर ऑन सेम प्लेन। मीन्स दीज थ्री लाइट रेज, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर आती हैं। ये हो गया हमारा पहला लॉ रिफ्लेक्शन का, जिसको इम्पॉर्टेंट बहुत ही माना गया है हमारे रिफ्लेक्शन में, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड लॉ, इसका जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ बहुत ही सिंपल सा है। वो ऐसा है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, वो कुछ एंगल्स बना रहे हैं नॉर्मल को लेके, बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो जो एंगल बन रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोलेंगे हम, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनेगा। और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, उस वो हम किसको बोलेंगे, जो हमारे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनेगा। तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स कि अगर 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन से कोई लाइट रे आ रही है, तो 30 डिग्री पर ही वो रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर है? नहीं है तो एक बार और अपन देख लेते हैं इसको। इट मीन्स कि 30 डिग्री से अगर कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है, तो 30 डिग्री से ही वो रिफ्लेक्ट होगी। यही सेकंड लॉ है। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज टू लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्शन एंड टू गो फर्दर इन दिस चैप्टर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट चालू करेंगे, जो कि नेक्स्ट पार्ट या फिर अपन कहें सेकेंड टॉपिक, जो कि है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वर्ड थोड़ा सिमिलर है रिफ्लेक्शन से, बट अगर हम यहां पर कहें रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन सेम है क्या? नहीं, बहुत डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन क्या हो रहा था? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज हो रहा था। बट यहाँ पर रिफ्रेक्शन में क्या होगा? रिफ्रेक्शन में यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे दो मीडियम्स। ये हमारा प्लेन है, यहाँ पर इस प्लेन पर हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ कर लिया, हमने पहले ही कर लिया। सर आप तो भी पहले कह रहे थे कि यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, सॉरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मिलती हैं, उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं, बट अगर अपन ने यहाँ पर इसलिए पहले नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है क्योंकि यहाँ पर अपन दो मीडियम्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर पहला मीडियम ले लिया एयर। ठीक, दूसरा मीडियम हमने यहाँ पर ले लिया वाटर, ग्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने दो मीडियम लिए हैं, एयर और वाटर, या फिर अपन ले सकते हैं एयर या ग्लास। तो यहाँ पर अगर इस पहले मीडियम से कोई लाइट रे फॉल हो रही है इधर नॉर्मल पर, तो ये सेकेंड मीडियम में कहाँ जानी चाहिए? अगर अपन रिफ्लेक्शन का लॉ करें तो ऐसी जानी चाहिए, बट ये रिफ्लेक्शन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम मीडियम में बाउंस बैक नहीं हो रहे। तो अब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन में ये दूसरे मीडियम में एंटर करेगी और दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अब यहाँ पर अपनी तीन रेज दोबारा से मिल गई हैं हमें, कौन कौन सी? तो ये जो है हमारी, वो हमेशा इंसिडेंट रे ही कहलाएगी, इंसिडेंट रे। ये हो गया हमारा नॉर्मल और ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए यहाँ पर अंतर है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमेशा कहाँ पर बेंड करेगी? इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ऐसा क्यों है? अपन इसके आगे बारे में
इसके बारे में आगे अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पलर है, या इसके लिए एग्जाम्पल्स बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, उसके बाद इसको अपन ने क्लासीफाई कर पाया। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, यही रिफ्रैक्शन। हाउ वी कैन टेल इट इन सिंपलर वर्ड्स, वी कैन टेल इट इन सिंपलर वर्ड्स, व्हेन एवर अ लाइट रेज एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट विल रिफ्रैक्ट और इट विल चेंज इट्स पाथ। चेंज इट्स पाथ, हाँ भैया देखिए, इसको जाना चाहिए था यहाँ से सीधा, जाना चाहिए था कि नहीं, बट ये नहीं गई, ये इधर भी तो जा सकती थी, नहीं, बट ये रूल के अकॉर्डिंग कहाँ जाएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए इसके तीन रास्ते हो गए, एक तो ये सीधा जा सकती थी यहाँ से, नहीं गई, ये इधर भी जा सकती थी, नहीं गई, ये कहाँ गई, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ वी विल मूव फर्दर, कैसे आगे अपन बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको, अब अपन सेकेंड चीज़ पढ़ते हैं कि इसके लॉज। तो भैया यहाँ पर लॉज पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है इसका वो सेम है, किसकी तरह, रिफ्लेक्शन की तरह। यहाँ पर जो है इंसिडेंट रे, अब यहाँ पर वहाँ पर कौन सी रे थी, रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर हो गई रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ये हो गया हमारा पहला लॉ, कौन सा, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, दोनों लॉ सर सेम ही तो है, वहां पर रिफ्लेक्टेड रे थी, यहां पर रिफ्रैक्टेड रे है, बिल्कुल सही। यहां पर जो दूसरा लॉ है हमारा वो उस लॉ की तरह नहीं है, किसकी तरह, वहां पर तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है सर, यहां पर ये अंतर है कि यहां पर क्या है कि दो लाइट रेज हैं, ठीक है, बट वो दो अलग अलग मीडियम्स में ट्रैवल कर रही हैं, एक बार एयर थी, यहाँ पर वाटर आ गया, तो ये अलग अलग इन्होंने एंगल्स बनाए। यहाँ पर अपन इसको बोलेंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमारा सेकंड लॉ है। सर ये सेकंड लॉ कैसे आया, सेकंड लॉ ऐसे आया कि अगर अपन बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, देखिए आइए इधर आइए, मैं आपको थोड़ा सा एक अलग से डायग्राम बना के दिखाता हूँ रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में एक लाइट रे आई, ये मेरी, ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग था, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग था, इसको आई वन मान लिया मैंने, इसको आर वन मान लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग हुआ, ये आई टू हो गया और ये आर टू हो गया, ठीक है। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये मेरा हो गया आई थ्री और ये हो गया मेरा आर थ्री। ये तीन अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंसेस हैं, यहाँ पर अपने तीन इंसिडेंस के एंगल हैं और तीन रिफ्रैक्शन के एंगल्स हैं। तो यहाँ पर अगर अपन देखें कि तीन अलग अलग वैल्यूज अपन ने रखी, ये हमारी आई की वैल्यूज रखी और ये हमारी आर की वैल्यूज रखी, आई वन आई टू और आई थ्री, आर वन R2 और R3। अब हमने ये तीन वैल्यूज रखी हैं I की और तीन वैल्यूज R की, अगर अपन इनको बार बार यहाँ पर रख के देखेंगे, मान लीजिए साइन R किस के लिए देख रहे हैं अपन, यहाँ पर देख रहे हैं हम एयर इज टू ग्लास, एयर से किस मीडियम में देख रहे हैं हमारा, यहाँ फर्स्ट मीडियम है एयर और सेकंड मीडियम क्या है हमारा ग्लास। अगर अपन देखें साइन आई वन अपॉन साइन आर वन तो क्या वैल्यू आएगी 1.5, पहली बार रख के देखा पहला एंगल साइन एन वन अपन साइन आर वन, सेकेंड एंगल रख के देखें अपन साइन आई टू अपॉन साइन आर टू तो भी क्या वैल्यू आई कॉन्स्टेंट पे 1.5, तीसरी बार वैल्यू रख के देखते हैं अपन साइन आई थ्री अपॉन साइन आर थ्री तो भी क्या वैल्यू आएगी 1.5। मीन्स यहाँ पर अगर अपन कंसिस्टेंटली वैल्यूज चेंज करते हैं आई वन और आर वन की तो भी वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1.5, किसके लिए, एयर इज टू ग्लास के लिए। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें तो क्या है कि ये कांस्टेंट आ रही है हर बार, तो सेकंड लॉ क्या होता है हमारा कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दो लॉज हैं, पहला लॉ इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, सेकेंड है
साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट को हम बोलते हैं म्यू, इस कॉन्स्टेंट को हम म्यू भी बोलते हैं बहुत सगे। हाँ, अब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में मैक्सिमम सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और इनके टर्म्स को हमने क्लासीफाई भी कर लिया है, क्लैरिफाई भी कर लिया है और डिफ्रेंशिएट भी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सर आपने ये तो सारी चीज़ें बता दी, बट आपने ये नहीं बताया कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी क्यों। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इनकी दो एप्लीकेशंस हैं। क्या एप्लीकेशंस हैं सर? तो इनकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अगर अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम कहाँ पर स्टडी करेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे हम मिरर्स में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम स्टडी करेंगे मिरर्स में। और अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं किसकी? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर अपन बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें हमेशा स्टडी करने के लिए मिलेगा लेंस में। सर, इनके बारे में और थोड़ा बता दीजिए। लीजिए, बता देते हैं हम। मिरर्स, जो मिरर्स होते हैं हमारे, स्पेशली दो तरीके के होते हैं। एक हमारे मिरर्स होते हैं प्लेन मिरर्स और एक होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स। और जो लेंसेज होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स और एक होता है हमारा कॉन्केव। जो प्लेन मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स को आप इजीली कहीं पर भी देख सकते हैं, जो कि आपके घर का मिरर है उसको आप देख लीजिए, आपको प्लेन मिरर की तरह ही देखने को मिलेगा। स्फेरिकल मिरर्स भी हैं, वो आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं। जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उनको आगे क्लासीफाई दो मिरर्स में किया गया है, एक है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और एक है हमारा कॉन्केव मिरर। अब अगर अपन इनकी बात करें कि प्लेन मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है और कॉन्केव मिरर कैसा होता है। प्लेन मिरर जो होता है वो हमेशा ऐसा होता है कि जिसकी एक साइड जो होती है रफ होती है और एक साइड जो उसकी थी पॉलिश या फिर शाइनी सरफेस से हम कहते हैं। दूसरा होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर हमारा वो मिरर होता है जो इनर साइड से रफ होता है और आउटर साइड से शाइनी सरफेस होता है। और जब अपन कॉन्केव मिरर की बात करते हैं तो कॉन्केव मिरर मीन्स द मिरर विच लुक्स लाइक केव। आप अगर देख रहे होंगे इसको तो एक केव की तरह दिख रहा है और इसका जो है आउटर साइड रफ होता है और इनर साइड पॉलिश्ड होती है या शाइनी सरफेस जो होता है इसका बोलते हैं। कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेकेव मिरर की बात हम करते हैं तो ये भी हमें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह देखने को मिलते हैं। इनके यूटिलाइजेशंस और इनके यूजेस हम आगे के लेक्चर्स में इनके डिस्कस करेंगे कि क्या है और इनकी यूजेस क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के और कॉन्केव मिरर्स के। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसको तो हम डेली देखते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें जो है आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि साइंस क्या है? साइंस इज नथिंग, इट्स अबाउट अवर लाइफ एंड अवर सराउंडिंग्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेंसेज की, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा वो कुछ इस प्रकार का होता है और जो कॉन्केव लेंस होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे की टर्मिनोलॉजी जो है या फिर जो इसके चैप्टर के आगे की जो डीप नॉलेज है या इस चैप्टर को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ जिससे कि आप बिना रुकावट के आगे के मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर सकें। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग and watching my video on future gap.